हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छ भारत मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग हर 3 महीने में अवश्य करें, ताकि कार्यों की समीक्षा करके योजनाओं को सिरे से चढ़ाया जा सके। उन्होंने जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश भी दिए और कहा कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मीटिंग हर महीने होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्टेट टास्क फोर्स के सदस्यों से फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फंड का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण केवल उन्हीं स्थानों पर करवाया जाए जहां पर आवश्यकता हो, और इसकी संस्तुति रिपोर्ट की समीक्षा की जरूरत हो तो वो भी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक, जिला परिषद के CEO के साथ साथ स्टेट टास्क फोर्स के सदस्यों को भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव एवं शहरों को जन भागीदारी से स्वच्छ बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं का सहयोग लें, स्वच्छता की दृष्टि से आदर्श गांव बनाएं। उन्होंने कहा कि खंड एवं जिला स्तर पर बनाए गए आदर्श गांव दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसके अलावा शहरों को भी स्वच्छ बनाने के लिए स्थानीय निकायों के बीच स्वच्छता और सौंदर्यकरण प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएं। उन्होंने स्थानीय निकायों की सभी इकाइयों में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गोबरधन योजना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए समन्वय बनाकर टेक्निकल समस्याओं का समाधान निकालने के निर्देश दिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।